नमस्कार, आप हैं खबरदार.com के साथ और मैं हूं बे। रीवा जिले के 12वीं के छात्रों ने शेष बचे पेपर की तारीख बढ़ाए जाने के लिए कलेक्टर रीवा को सौंपा ज्ञापन और सरकार से की अपील। कोरोना के मद्देनजर रीवा जिले के छात्रों ने आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीवा कलेक्टर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर यह अपील की गई कि 9 जून 2020 से होने वाले पेपर की तारीख बढ़ाई जाए। जिस पर छात्रों ने यह कहा कि वर्तमान में कोरोना बीमारी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हम परीक्षा कैसे दे सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। जहां एक ओर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8500 के पार हो चुकी है, वहीं सरकार अब ऐसी स्थिति में पेपर कराने की पूरी तैयारी में है, जो कि छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कहा जाएगा। जहां एक ओर कई राज्यों ने जनरल प्रमोशन की घोषणा की है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार बचे हुए पेपर करवाना चाहती है, लेकिन छात्र सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे 3 महीने बीत चुके हैं, वैसे थोड़ा और इंतजार करके छात्रों के पेपर लिए जा सकते हैं। वहीं छात्रों ने 6 जून तक समय दिया है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि घर पर ही अनशन करने की तैयारी में भी हैं। वहीं छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया, जिस दौरान पंडित हिमांशु तिवारी, राज द्विवेदी, प्रासुल मिश्रा, ऋषि गुप्ता, आकाश समदरिया समेत कई छात्र मौजूद रहे। जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। यहाँ पर आज हम आदरणीय मामा जी का एक ट्वीट आया था कि 12वीं के परीक्षार्थी जो हैं कांग्रेस की सह के कारण परीक्षा देने में असफल हो रहे हैं, परीक्षा वह नहीं दे रहे हैं। तो मैं मामा जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि मामा जी, हम साल भर इसीलिए पढ़ाई करते हैं परीक्षा देने के लिए, और यह आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि हम परीक्षा नहीं देंगे। अगर आप परीक्षा लेना ही चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हम सारे विद्यार्थी निवेदन करते हैं कि आप स्वयं हमारी परीक्षा लेने आएं, और यदि कोई भी विद्यार्थी यह कह दे कि हम परीक्षा नहीं देंगे तो वहां से जितने साल आप हमें 12वीं पढ़ाना चाहें हमें मंजूर है। और मामा जी का एक ट्वीट और आया था कि कई तरह की परिस्थिति का मतलब है, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस चल रहा है, जितने ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मिल नहीं रहे उससे ज्यादा संक्रमित ठीक हो रहे हैं। मैं मामा जी से निवेदन करता हूं कि जब ऐसी प्रोसेस है, जब ऐसा हो रहा है, जब संक्रमित मिल ही नहीं रहे, जब ठीक ही हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यह प्रोसेस 1 महीने चलेगी। जब मध्य प्रदेश में एक भी संक्रमित नहीं था, 20 मार्च को एक भी संक्रमित नहीं था, 30 मार्च तक एक भी संक्रमित नहीं था, तब मामा जी ने परीक्षाएं निरस्त कर दी थी, और आज 3 महीना हो गए हैं, जब आज पूरे मध्य प्रदेश में 8500 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना का, तो मामा जी 9 जून से 16 जून तक परीक्षा कराने का निर्णय ले रहे हैं। और ऐसे हमारे रीवा क्षेत्र में कई जिले हैं, कई गाँव हैं, जहां पर यह सत्र मानसून, कई तरह की बारिशें हो रही हैं, ऐसा भी कई जिलों में है जिनके आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो मैं एक भांजा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मामा जी से निवेदन करता हूं कि 9 जून से जो 16 जून तक उन्होंने परीक्षा की तिथि बढ़ाई है, उसे और बढ़ा के जब तक यह स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक परीक्षा लेने का निर्णय हम इसका बहिष्कार करते हैं। एक बार पुनः विचार करें, हमें कोई जनरल प्रमोशन नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।